हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताऊंगी स्प्रिंग रोल शीट कैसे बनाई जाती है। इसे बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो ये बहुत ही कम बजट में बनेगी। आप इसे बहुत ही कम समय में भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने पतले और कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। और देखिए, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं, बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में 1.5 कप मैदा लेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका पतला बैटर बना लेंगे। ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे छलनी से छान लेंगे। बैटर में मैंने लगभग 2 कप पानी डाला है। छलनी से छानने से क्या होगा, जो हमारी शीट है वो बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और एकदम परफेक्ट बनेगी। अब मैंने एक तपेली में पहले से ही पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था और ये मैंने जो नॉन स्टिक पैन है उसके बराबर ही मैंने तपेली ली है। मतलब जब हम शीट बनाएंगे तो चारों तरफ उसकी स्टीम जानी चाहिए, इतनी ही बड़ी हम तपेली लेंगे। तो इसे तवे को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। यह हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें टिश्यू पेपर से हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, हल्का सा ही इस पर ग्रीस करेंगे। अब हम इसे इस तरह से इसमें बैटर डालेंगे, देखिए इस तरह से, और इसे चारों साइड इस तरह से फैला देंगे। आपको जितनी मोटी शीट बनानी है उतना मोटा आप इसमें लेयर बना सकते हैं। तो मैं इसे पतला सा, मतलब ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा बनाऊंगी। तो जो एक्स्ट्रा बैटर है वो हम इस तरह से निकाल देंगे और इस तरह से चारों साइड फैला देंगे। इसे हम स्टीमर पे रख देंगे, देखिए इस तरह से, और जो थोड़े से कॉर्नर से इस तरह से हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा उंगली से कर देंगे। हमने ऑयल लगाया है, ग्रीस किया है, इसलिए अभी थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसकी एकदम बराबर लेयर नहीं बनेगी कॉर्नर से। ये देखिए शीट स्टीम होने लगी है और गैस की फ्लेम आपको तेज ही रखना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो साइड के कॉर्नर्स हैं वो अपनी जगह छोड़ देंगे। आपको इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, अगर आप ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो ये थोड़े से कड़क हो जाएंगे। तो जैसे ही इसके कॉर्नर से निकलने लगे आप इसे निकाल लें। ये देखिए कॉर्नर्स ने अपनी जगह छोड़ दी है, तो हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे। ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे बने हैं। जिस टिश्यू पेपर से हमने ऑयल लगाया था उसी से हम इसे वापस साफ कर देंगे ताकि ये हल्का सा फिर से ग्रीस हो जाए। अब इसमें हम वापस से उसी तरह से बैटर डालेंगे। शीट आप मोटी पतली आपको जैसी बनानी है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। एक्स्ट्रा बैटर निकाल देंगे। पैन में आपको बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना है, अगर आप ज़्यादा तेल लगा देंगे तो मैदा इस पर चिपकेगा नहीं। इस तरह से हम सभी शीट्स बनाकर रख लेंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप शीट बनाएं तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए, मतलब छेद नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ भी चीज़ इसमें स्टफिंग करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगी। आप देख सकते हैं कि शीट कितनी आसानी से बन रही है, मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ और ये सिर्फ 2 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है। तो आप जितनी चाहें उतनी शीट्स बनाकर आप रख सकते हैं। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जितना बड़ा आपका तवा है उतना ही बड़ा आपका स्टीमर होना चाहिए। ये देखिए ये दूसरी शीट भी बनकर तैयार हो गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं और देखिए ये कितनी आसानी से निकल रही है। तो इस तरह से हम सभी शीट्स बनाकर रख लेंगे।
आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से शीट्स रख रही हूँ। तो नीचे मैंने एक कपड़ा रखा है, उसके ऊपर इस तरह से मैंने शीट रख दी है और इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये एक दूसरे पर चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। शीट को हम ढक देंगे ताकि इसकी किनारे मुड़े नहीं और ये सॉफ्ट रहे। इस पर हम एक और शीट रख देते हैं और इस पे भी हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ हल्का सा ही ऑयल लगाना है। इस तरह से हम सभी शीट बना लेंगे। शीट को हम इस तरह से पॉलीथीन में पैक करेंगे। ये मैंने साड़ी कवर लिया है ट्रांसपेरेंट। अगर आपके पास जिप लॉक वाला पॉलीथीन बैग है तो आप उसमें भी इसे रख सकते हैं और आप इसे एक या दो दिन बाद जब भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, लेकिन आपको इसे अच्छी तरह से पैक करना है, इसमें एयर नहीं जानी चाहिए। शीट को हम फ्रिज में रख देंगे और जब भी हमें इसे यूज़ करना होगा तब हम इसे फ्रिज में से निकाल देंगे।